जहां रोहतक में एक पिता ने नाबालिग बेटे की हत्या कर दी है। समर गोपालपुर गांव की एक घटना है जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। शव को घर के अंदर बेड में छिपाकर रखा गया था। बेटी ने घर से भागकर अपनी जान बचाई है। पानीपत में पुलिस को 100 नंबर पर यह जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। सफेदों में एक युवती की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। दरअसल युवती की लाश जिस हालत में मिली है उसे देखकर हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल एक पुलिस को सूचना मिली थी पानीपत पुलिस के द्वारा कि समर गोपालपुर में एक युवक का शव बेड के अंदर घर में पड़ा हुआ है। तो पुलिस इस मौके पर पहुंची, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए रोहतक की जाए भिजवाया है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो धर्म नाम का युवक था, करीब इसकी 16 वर्ष उम्र थी, और ये इसके पिता ने इसकी हत्या की है, जो कि इसकी बहन ने खुलासा किया है पानी पुलिस को बताकर। अभी पुलिस इस मामले में आरोपी पिता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इसमें आरोपी अभी फरार है। कारण ये बताया जा रहा है कि प्राथमिक तौर पर कि इस जो व्यक्ति है आरोपी, इसके किसी महिला के साथ अवैध संबंध थे जिसका ये लोग विरोध कर रहे थे, जिसी के चलते ये घटना को अंजाम दिया। अभी जो मृतक है ये अपना इकलौता बेटा था उसका।